हेलो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं केमिस्ट्री का हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में हम पढ़ चुके हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। हेलो एल्केन में नेक्स्ट वीडियो में बताए थे मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन के बारे में बताए थे कि मोनो हेलो एल्केन क्या होता है और डाई हेलो एल्केन क्या होता है। डाई हेलो एल्केन के बाद पढ़ना है ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन, और इसके बाद एक और होता है जिसका नाम है पारा हेलो एल्केन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डाई हेलो एल्केन को तो चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये कितने प्रकार का होता है ये अभी नहीं बताया गया था। तो आज देखेंगे कि डाई हैलाइड कितने प्रकार का होता है। डाई हैलाइड जो होता है आपका चार प्रकार का होता है। पहला जो होता है जिसको कहते हैं जिम डाई हैलाइड कहते हैं, क्या कहते हैं जी, जिम डाई हैलाइड कहते हैं इसे, या अल्फा अल्फा डाई हैलाइड भी कहा जाता है। दूसरा जो इसका प्रकार होता है इसको वीक डाई हैलाइड कहते हैं, या इसको अल्फा गामा डाई हैलाइड कहते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार होता है उसको बोलते हैं बिलगित डाई हैलाइड, आइसोलेटेड डाई हैलाइड, या अल्फा इसको क्या कहते हैं, सॉरी इसको अल्फा और बीटा कहते हैं, इसको अल्फा और क्या कहते हैं जी, बीटा कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। और बिलगित डाई हैलाइड जो होता है उसको अल्फा और गामा कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा चौथा जो होता है जिसको कहते हैं सीमांत डाई हैलाइड, इसको बोलते हैं लिमिटिंग डाई हैलाइड, जिसको ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं, ठीक है ना। तो हम एक एक चीज़ को चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जिम डाई हैलाइड क्या होता है, ठीक है ना। जेमिकल वर्ड से बना हुआ है, किससे बना हुआ है जी, जिसका अर्थ होता है जुड़ाव, क्या होता है जी, जुड़ना भी होता है या जुड़ाव भी होता है इसका हिंदी, ठीक है ना। दूसरा होता है वीक डाई हैलाइड को विसिकल शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है अगल बगल, क्या होता है जी, अगल बगल, ठीक है ना। तीसरा लिखे हैं बिलगित डाई हैलाइड में कम से कम तीन कार्बन की होना क्या है जी, जरूरी है यानी आवश्यक है। बिलगित डाई हैलाइड में वैसे यौगिक जिसमें क्या हो, कम से कम तीन क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, तभी जाकर बिलगित डाई हैलाइड बनेगा। तो यानी इसमें हम लिख सकते हैं कम से कम तीन कार्बन की होना क्या है, ये आवश्यक है। विलगित डाई हैलाइड में कम से कम कितने कार्बन की होने की आवश्यकता है, तीन कार्बन। सीमांत डाई हैलाइड में कम से कम कार्बन की होना चार आवश्यकता है, कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, चार। इसमें लिख देंगे हम कम से कम चार कार्बन की होना आवश्यक है चार कार्बन की होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिम डाई हैलाइड क्या होता है। परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे और नोट करने की कोशिश करेंगे, जिम डाई हैलाइड किसे कहते हैं। वैसे यौगिक, ध्यान देंगे इसके पहले एग्जांपल समझ लेंगे हम। इसका एग्जांपल होता है CH2 होता है, क्या होता है जी, ध्यान देंगे यहाँ पर जिम डाई हैलाइड जो होता है कम से कम एक ही वैसा यौगिक जिसमें कम से कम एक ही कार्बन से दो हाइलोजन क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, कम से कम क्या, दो हाइलोजन। जब एक वैसा यौगिक जिसमें एक ही कार्बन से दो हाइलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसी को क्या कहते हैं, जिम डाई हैलाइड कहता है। वैसा यौगिक जिसमें कम से कम कितना जी,
कम सूर्यगल कर रहे हैं, ऐसा यौगिक जिसमें कम दो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, जिसे जिम डाइहेलाइड कहते हैं। वैसा यौगिक जिसमें दो हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, जिसे जिम डाइहेलाइड कहते हैं। वैसा यौगिक जिसमें एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, कितना जी, दो हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को बताए थे किससे स्विच करते हैं, एक्स से। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखे हुए हैं CH4 किसका सूत्र है, मेथेन का। इसमें दो हाइड्रोजन कब जुड़ेगा, जब इसमें से दो हाइड्रोजन निकलेगा, प्रतिस्थापित होगा तब। तो इसको इसको लिखने के लिए ऐसे लिख देंगे, CH4 है ना, तो इसमें से दो हाइड्रोजन निकाल कर क्या लिख देंगे, X2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यह जो यौगिक होगा यही यौगिक क्या कहलाएगा, जिम डाइहेलाइड, यानी वैसा यौगिक जिसमें एक ही कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, दो हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसका दो हाइड्रोजन X2 हो गया, यहाँ X2 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, CH2 यहाँ पर लिख सकते हैं, Br2 भी लिख सकते हैं, Br2, क्योंकि Br क्या है, हाइड्रोजन है। या इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 Cl2, क्योंकि जो यहाँ पर हाइड्रोजन है कितना है, संख्या दो है, ठीक है ना। कार्बन कितना है, एक है, सी। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। इसका बनाएंगे तो Cl2 है, तो एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक का यहाँ जुड़ जाएगा। तो जब किसी यौगिक से क्या जुड़ा होना चाहिए, दो हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं जी, हम जिम डाइहेलाइड कहते हैं। जिसका मतलब ही होता है क्या जी, जुड़ना होता है, ठीक है ना। दूसरा है क्या, वीक डाइहेलाइड। यहाँ पर लिख लेंगे इसके उदाहरण में, यहाँ पर लिख लेंगे हम CH, मिथेन के साथ सूत्र होता है CH4, जब इसमें दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा CH2X2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन के जगह पर कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन के जगह पर Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2Cl2 भी इसको लिख सकते हैं। तो देखो, तो यह जो यौगिक होगा यही क्या होगा, जिम डाइहेलाइड होगा। दूसरा है वीक डाइहेलाइड, जिसको अल्फा बीटा डाइहेलाइड कहते हैं। अल्फा बीटा क्या कहते हैं, डाइहेलाइड कहते हैं, अल्फा बीटा डाइहेलाइड, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगा, इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन एक अल्फा पर जुड़ा हुआ हो और एक किस पर जुड़ा हुआ हो, बीटा पर जुड़ा हुआ हो, तो उस वैसे यौगिक को वीक डाइहेलाइड क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं या वीक डाइहेलाइड कहते हैं, ठीक है ना। या यह भी कह सकते हैं, वैसे यौगिक जिसमें दो हाइड्रोजन अगल बगल के कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वैसे यौगिक जिसमें दो हाइड्रोजन अगल बगल के क्या हो, कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं जी, वीक डाइहेलाइड कहते हैं, या उसको अल्फा बीटा डाइहेलाइड कहते हैं। कैसे, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ लिखे CH3 CH3 CH, और क्या जी, यहाँ पर CH2, और एक यहाँ पर क्या कर दे, हाइड्रोजन को जोड़ दे, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इसको या तो अल्फा कहेंगे, और इसको क्या कह सकते हैं, बीटा कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसको अल्फा मानेंगे तो ये क्या होगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन अगल बगल के कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अगल बगल के क्या जी, कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसी को कहते हैं वीक डाइहेलाइड कहते हैं। इसको स्ट्रक्चर को अगर लिखना चाहें तो CH3 CH3 CH Cl यहाँ कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, CH2, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं हम जी, Cl लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो Cl जुड़ा है, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर Cl, तो अगल बगल के कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन अगल बगल के कार्बन से क्या हुआ, जुड़ा हुआ हो, तो उसे कहते हैं वीक डाइहेलाइड, या इसको कहते हैं अल्फा बीटा डाइहेलाइड। अगर इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को अगर अल्फा मान लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, क्या होगा जी, बीटा। तो इसको अल्फा बीटा वीक डाइहेलाइड कहते हैं, यानी ये भी कह सकते हैं वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन अल्फा तथा बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ, अल्फा कार्बन तथा बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो
तो उसे हम क्या कहते हैं, विक डाई हैलाइड कहते हैं, ठीक है ना। इसका ये क्या एग्जाम्पल है, इसमें लिख लेंगे या ठीक है ना, स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसको जल्दी से। आगे हम चलेंगे तीसरा देखेंगे, तीसरा है विलगित डाई हैलाइड। विलगित डाई हैलाइड को इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड डाई हैलाइड, इसी को कहते हैं अल्फा और गामा डाई हैलाइड कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि वैसा यौगिक, इसमें लिखे हैं कम से कम तीन कार्बन के होना आवश्यक है, यानी वैसा यौगिक हो जिसमें कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, तीन। तीन से कम होगा तो उस यह क्या होगा जी, गलत हो जाएगा। तीन से कम कार्बन के लिए क्या होगा, यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसा यौगिक जिसमें हाइलोजन अल्फा तथा किस पर जुड़ा हुआ हो, गामा पर जुड़ा हुआ हो, वैसे यौगिक जिसमें हाइलोजन अल्फा तथा गामा पर जुड़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं विलगित डाई हैलाइड। जैसे हम बताए हैं कि इसमें कम से कम तीन कार्बन के होना आवश्यक है, तो कौन सा क्या यौगिक लेंगे हम जिसमें तीन कार्बन हो, तो तीन कार्बन के लिए यहाँ लिख सकते हैं क्या जी, CH3, क्या लिख सकते हैं, CH3, CH2 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, CH3। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो अगर इसको हम मान लेते हैं अल्फा तो यह क्या होगा, अगर इसको अल्फा मान लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका बीटा, यह जब अल्फा हो जाएगा तो यह क्या होगा, बीटा हो जाएगा, यह गामा होगा। तो अभी बताएं कि एक हाइलोजन अल्फा पर होगा तो दूसरा हाइलोजन किस पर होना चाहिए, गामा पर। तो एक हाइलोजन अगर मान लो हमें यहाँ अल्फा पर जोड़ देते हैं Cl को, तो दूसरा हाइलोजन किस पर जोड़ेंगे, गामा पर जोड़े हैं कि नहीं। तो इस तरह के जो हमको क्या मिलेगा, यौगिक मिलेगा, यही यौगिक क्या कहलाता है जी, विलगित डाई हैलाइड कहलाता है। इसमें कम से कम तीन कार्बन के होना आवश्यक है, तीन कार्बन है कि नहीं, 1, 2, 3, ठीक है ना। तीन से भी ज़्यादा हो सकता है लेकिन तीन से कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसको भी स्क्रीन शॉट ले लेंगे, विलगित डाई हैलाइड में इसको लिख लेंगे। आगे देखेंगे सीमांत डाई हैलाइड क्या होता है। सीमांत डाई हैलाइड को बोलते हैं लिमिटिंग डाई हैलाइड, यानी इसको ओमेगा हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ओमेगा हैलाइड कहते हैं। इसमें कम से कम चार कार्बन की होना आवश्यक है, कितने कार्बन की, चार कार्बन की होना आवश्यक है, ठीक है ना। जब इसमें कम से कम चार कार्बन की आवश्यक होना आवश्यक है, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि वैसा यौगिक जिसमें एक हाइलोजन पहले कार्बन पर, वैसा यौगिक जिसमें एक हाइलोजन पहले कार्बन पर तथा दूसरा हाइलोजन अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसके कहते हैं सीमांत डाई हैलाइड। समझ में आया, वैसा यौगिक जिसमें पहला हाइलोजन पहले कार्बन से यानी फर्स्ट कार्बन से तथा दूसरा हाइलोजन अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं सीमांत डाई हैलाइड। और इसमें कम से कम चार कार्बन के होना आवश्यक है, चार कार्बन वाले यौगिक का क्या करेंगे, चैन बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा CH3, CH2 और क्या होगा जी, CH2 यहाँ लिख सकते हैं, CH2 और क्या होगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन की चार संयोजकता होती है तो तीन तो हाइड्रोजन एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, गलती हो रहा है, क्या होगा जी, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, CH2 होगा, तभी जाकर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्योंकि कार्बन की चार संयोजकता होती है, कि इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक इधर बच जाएगा, तो यहाँ क्या कर देगा, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जो क्या होगा, Cl हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया है कि नहीं, यहाँ पर Cl की जगह पर Br भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर Cl ही होगा, Br भी हो सकता है, यहाँ पर Br भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, F भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी हाइड्रोजन ग्रुप के क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो वही लिखा है सीमांत डाई हैलाइड में ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन पहले कार्बन से तथा अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ हो, बीच वाले नहीं, फर्स्ट और क्या जी, लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ हो तो इस तरह के यौगिक को क्या कहते हैं हम, सीमांत डाई हैलाइड कहते हैं, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लेंगे, इसमें स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसको, या इसको ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। ऐसा करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखेंगे कि ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है। ट्राई हेलो एल्केन
ट्राई हेलोएल्केन में एक ही कार्बन से कम क्या होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। वैसा यौगिक जिसमें एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे ट्राई हेलोएल्केन कहते हैं, या ट्राई हैलाइड भी इसको कहा जाता है, टेट्रा हैलाइड या टेट्रा हेलोएल्केन। टेट्रा हेलोएल्केन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, बता इसको कहा, टेट्रा मतलब होता है 4, यानी कह सकते हैं वैसा यौगिक जिसमें एक ही कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, 4 जुड़ा होना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, टेट्रा हेलोएल्केन कहते हैं, ठीक है ना। ट्राई इसको क्या कहते हैं, ट्राई हेलोएल्केन या ट्राई हैलाइड भी इसको कहते हैं, हैलाइड, ट्राई हैलाइड। इसको बोलते हैं टेट्रा, TETR, टेट्रा हैलाइड, हैलाइड या हेलोएल्केन इसको कहते हैं, ठीक है ना। ट्राई हैलाइड को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, अभी बताए हैं कि वैसा यौगिक जिसमें एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, उसे ट्राई हेलोएल्केन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, यहाँ ध्यान देंगे, एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन, जैसे यहाँ लिखे हैं CH4, किसका सूत्र है, मेथेन का सूत्र है। इसमें 3 हाइड्रोजन कब जुड़ेगा एक ही कार्बन से, क्योंकि कार्बन की संख्या इसमें क्या है, 1 है। एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन तब जुड़ेगा जब इसमें से 3 हाइड्रोजन क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो अगर इसको हम लिखना चाहें ट्राई हेलोएल्केन या ट्राई हैलाइड का यौगिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, और CH में क्या जोड़ देंगे, X3 जोड़ देंगे। तो यह जो यौगिक होगा हमारा, यही क्या होगा जी, ट्राई हैलाइड होगा। अगर इसको और हम विस्तार से लिखना चाहेंगे तो CH और X क्या है, हाइलोजन है, हाइलोजन के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं Cl3 लिख सकते हैं या Br3 लिख सकते हैं। तो यह जो यौगिक होगा ट्राई हेलोएल्केन होगा। अगर इसकी हम संरचना बनाएं तो संरचना क्या होगा, कार्बन की पता है कि 4 संयोजकता होती है ऐसे, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और 3 क्लोरीन है, तो यहाँ हो जाएगा। तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से हो जाएगी। यह जो यौगिक होगा ट्राई हेलोएल्केन होगा, यानी एक ही कार्बन से, वैसा यौगिक जिसमें एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, जिसे कहते हैं ट्राई हेलोएल्केन कहते हैं। इसको भी नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे हम देखेंगे टेट्रा हेलोएल्केन क्या होता है। टेट्रा हेलोएल्केन वैसे यौगिक जिसमें एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, एक ही कार्बन से कितना जी, 4 हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। CH4 इसको ऐसे लिख सकते हैं, CX4 लिख सकते हैं CH4 को, क्योंकि 4 हाइड्रोजन निकल जाएगा तभी तो 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर इसको और विस्तार से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं X के जगह पर कोई भी हाइड्रोजन लिख सकते हैं, Br4 लिख सकते हैं, Br4 इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसकी संरचना बनाएं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक यहाँ Br हो जाएगा और एक यहाँ Br हो जाएगा, क्योंकि 4 Br है, एक यहाँ हो जाएगा और एक क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा। तो वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन एक ही कार्बन से कितना जुड़ा होना चाहिए, 4 जुड़ा होना चाहिए, जिसे टेट्रा हेलोएल्केन कहते हैं, ठीक है ना। एक और होता है पारा हैलाइड होता है, या पारा हेलोएल्केन कहते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसको अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आज आशा करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ओके, बाय।